तालियां रुकनी नहीं चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी के लिए, और जिन लोगों ने इनका मैनिफेस्टो बनाया है उनको तो शत शत नमन। लोग वोट देंगे, जो लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म क्रिएट हो, जो लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी फिर से दोहराई जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बने, वो लोग दिल की खुशी से इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देंगे। इतना ही पाकिस्तान से प्यार है तो जाओ पाकिस्तान, अपना सामान सामान पैक करो और चले जाओ पाकिस्तान। ऐसा कलंक तो नहीं ना लगेगा कि रहते भारत में हैं और प्यार और हमदर्दी पाकिस्तान से जताते हैं। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय, और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कॉम्बाइंड एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी का, जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है और टेररिज्म के साथ कनेक्शन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ कुछ भी चीज मैं अपने से नहीं कह रहा, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी के जो अध्यक्ष हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जी और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इन्हीं में वो चीजें लिखी है जो ये शो करवाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी का पाकिस्तान के लिए प्यार और हमदर्दी साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो रहती भारत में है, सुख सुविधाएं भारत से लेती है, लेकिन गुणगान हमेशा पाकिस्तान से करती है, प्यार और हमदर्दी हमेशा पाकिस्तान के लिए दिखाती है। और इन्हीं में से एक परिवार का नाम है फारूक अब्दुल्ला साहब का परिवार, और दूसरा परिवार है महबूबा मुफ्ती जी का परिवार। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जी और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी, इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र रिलीज किया है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव के लिए, जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन सामने दिखाई दे रहा है। क्या किया है इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ जुड़ा है, क्यों बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो वॉल्यूंट्री लीडर्स हैं वो एनसी और पीडीपी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो पाकिस्तान के फेवर में है, इस चीज को समझने के लिए वीडियो पूरे देखिएगा। तो इन दोनों ही मैनिफेस्टो में, एनसी का ले लो पीडीपी का ले लो, इन दोनों के ही मैनिफेस्टो में जो कॉमन चीजें हैं, पहले नंबर पे है इनिशिएटिव टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कहना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते की बात होनी चाहिए कश्मीर इशू पे, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया? फॉरेन पॉलिसी पे जो विचार करने की जिम्मेवारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की तो ये पॉलिसी ही नहीं है। अगर आपने कभी भारत में जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट होती है ना, उसको पढ़ा होगा ना, तो हमारे तीन लिस्टें आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें फॉरेन अफेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डाला जाता है यूनियन लिस्ट में, यानी अगर फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, कोई बातचीत करनी है, वो सेंटर करेंगे। तो इनको ये किसने अधिकार दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू के लिए टॉक्स होनी चाहिए, डायलॉग की भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है ना वो एक टेबल पे बैठ के सॉल्व किया जाना चाहिए। 70-80 सालों से हम यही तो करके आए हैं, क्या मिला? टेररिज्म। अब जयशंकर जी ने एक चीज कही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, जिस लैंग्वेज में पाकिस्तान बात करता है उसी लैंग्वेज में हम पाकिस्तान से बात करेंगे, और ये बेस्ट निर्णय है। तो क्यों एनसी और पीडीपी के लीडर्स इतना कन्विंस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू पे बात करे? जब तक कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही, जब आपकी सरकार पीडीपी की हो, एनसी की हो, वो जम्मू कश्मीर में रही, उन्होंने एक ही चीज की, जम्मू कश्मीर का इशू पाकिस्तान के साथ एक मेज पे बैठ के तैयार किया। क्या मिला? टेररिज्म। क्या मिला? जम्मू कश्मीर में अलगावादियों की, जब आतंकवादियों की डेथ होती थी तो कई सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते थे, लोग दहशतगर्दों को अपना आइडियल मानते थे, ये चीजें मिली, और अब एनसी और पीडीपी फिर से इन चीजों को रिवाइव करना चाहते हैं। दूसरा जो पाकिस्तानी कनेक्शन आता है वो है ट्रेड अक्रॉस एलओसी।
यानी एलओसी के आसपास पूरा वो ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। पहले भी ट्रेड ओपन था, टेररिज्म इंक्रीज हुआ, टेररिस्ट आते थे ट्रेड के बहाने से, टेररिस्ट वहां से आते थे और जम्मू कश्मीर में दहशत मचाते थे। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो? भारत को इस समय किस चीज की कमी आ रही है? भारत पाकिस्तान पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि पाकिस्तान कुछ बनाएगा और भारत को देगा। अरे कोविड के बाद भारत ने चाइना के साथ अपना ट्रेड बहुत कम कर दिया आत्मनिर्भर भारत के जरिए, तो पाकिस्तान क्या चीज है और हम क्यों दे पाकिस्तान को चीजें? तो जो ट्रेड है ना, ये भी एक बहुत बड़ी भूल है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल्ड ड्यूरिंग द टेररिस्ट एक्टिविटी। यहां पे एक चीज क्लियर है कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 टूटी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी उस पर रोक लगी है। अब जो लोग पत्थरबाजी करते थे, जो लोग टेररिज्म का सपोर्ट करते थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब एनसी और पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि ये जो जेल में बंद लोग हैं इनको हम रिलीज करवाएंगे। तालियां होनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी के लिए, और जिन्होंने उनका मैनिफेस्टो लिखा है उनको तो शत शत नमन। कि जिन लोगों ने टेररिज्म क्रिएट किया जम्मू कश्मीर में, जिन लोगों ने पत्थरबाजी का सहारा लिया, उन्हीं को जेल से छुटकाने की बात कर रहे हैं। यहां पे डायरेक्ट होता है कि इनका पाकिस्तान के साथ लेना देना है। पाकिस्तान कनेक्शन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये जम्मू कश्मीर के हित के लिए बात करते, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करते, ये पॉइंट कभी भी नहीं डालते। चलो पहला हो गया कि कश्मीर इशू पे वो शांति चाहते हैं, कुछ भी बात है वो शांति से बात करना चाहते हैं, ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, उनको भी शायद कुछ बेनिफिट लग रहा हो वहां पे। लेकिन ये तो महाबेवकूफी वाला निर्णय है। और अब भी अगर जम्मू कश्मीर के लोग इन सब पॉइंट को पढ़ के भी इन लोगों को सत्ता में लाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों की महाबेवकूफी रहने वाली है। अगर उन्होंने ये पॉइंट पढ़ के, हाँ जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं ना, टेररिज्म को, अलगावाद को, पत्थरबाजी को, वो अपने दिल से वोट देंगे, अपने दिल से वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देंगे और सत्ता में लाएंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट है। लेकिन जिन लोगों के अंदर देशभक्ति है, जो लोग अमन शांति और खुशहाली चाहते हैं, वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को कभी भी सत्ता में नहीं लाएंगे जो इस चीज का सपोर्ट करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का पाकिस्तानी कनेक्शन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।